खुल गए, कोई ना कोई बात तो है। एयरलाइंस करना मेरी पावर में नहीं है और ये तो पार्टी नेतृत्व देखता है। वैसे कांग्रेस को किसी एयरलाइंस की जरूरत नहीं है, इतना मैं कह दूं। कांग्रेस पार्टी हर गांव, हर खेत, हर खलियान, हर ढाणी में है। कांग्रेस अकेले ज्यादा, मेरा व्यक्तिगत मानता है कि कांग्रेस अकेले बड़ी ताकत के साथ सरकार बनाने जा रही है, इसलिए कांग्रेस को अभी कोई एलायंस करने की जरूरत नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है। बाकी फैसला तो चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी और पार्टी नेतृत्व तो करता है, मेरे हाथ में नहीं। लेकिन मेरा मानना है कांग्रेस को किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूत है, जनता भी कांग्रेस के साथ खड़ी। अब जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की राजनीति में सबको अपना हक है। अब वो कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ये सब चलेगा। पॉलिटिक्स किसी की मोहताज नहीं है और राजनीति में जनता फैसला करती है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से फैसला होता है। इस वक्त कांग्रेस के पक्ष में माहौल है राजस्थान में, पूरे देश, पूरा देश देख रहा है। बीजेपी वालों ने बदतमीजी के, गलत बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो भी बकवास करनी थी वो बकवास वो कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात नहीं कर रहे। बीजेपी के साथ दिक्कत ये हो गई कि केंद्र की बीजेपी के सरकार के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। उन्होंने जवानों के लिए क्या किया, कितने लोगों को रोजगार मिला, देश कहाँ है, विजय माल्या, मोहित चंदू, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी का क्या हुआ, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे माफ कर दिए, आपने देश के किसान के कर्जे माफ नहीं किए। आप बार बार राजस्थान की सरकार से बीजेपी के नेता कहते हैं कि किसानों के कर्जे माफ नहीं किए। कैसे नहीं किए, 14,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए किसानों के, 2 लाख से 3 लाख तक के कर्जे माफ हुए। अब उस किसान से जाकर पूछो जिसकी जमीन कुर्क होने वाली थी, उसका 3 लाख तक का कर्जा माफ हो गया, लेकिन बीजेपी बताए केंद्र सरकार ने 1 रुपया भी माफ क्यों नहीं किया किसान का। आप किसान से लड़ रहे थे, बीजेपी ने पिछले चुनाव में आप ज्योति मिर्जा को लेकर के जा रहे, तो क्या कांग्रेस को नुकसान? देखिए एक बात आप तय कर लीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन ये लोग वो है जो एक्टिव नहीं है। एक तो एक नाम होता है जो एक्टिव हो, अब वो किसी भी पार्टी में हो। रुमान बेनीवाल एक्टिव व्यक्तित्व है कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स से निकलकर दम खम के साथ ये पार्टी बनाकर जीते हैं। लेकिन जीती मिर्जा तो कांग्रेस के बैनर पे चुनाव जीते। जीती मिर्जा जी का फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन मेहनत वैसी नहीं होती। एक व्यक्ति होता है जो मेहनत करता है, अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाता है। राजनीति में सबको राजनीति करने का हक है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में लोग इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी बनाते हैं, खुद की पार्टी भी बनाते हैं। सबको अपनी बात कहने का, किसी भी पार्टी में जाने का हक है। लेकिन राजस्थान जानता है कि वो लोग जिनकी जमीन पर पहचान है, जनता में पहचान है, जिनको यूथ पसंद करे या राजस्थान पसंद करे या लोग जो लड़ते हो, आंदोलन करते हो, जिन्होंने सड़कों पर अपना खून पसीना बहाया हो, ऐसे लोग कोई पार्टी छोड़कर जाए जिनका नाम हो, तब तो कोई मतलब भी है। अब आप चुनाव के वक्त ही आते हैं, चुनाव के वक्त ही पार्टी बदल लेते तो ज्यादा असर नहीं पड़ता। कैंपेन कमेटी की पॉलिटिक्स और एग्रेशन के साथ में आप जाने के पैरोकार रहे हो, लेकिन आमतौर पर कांग्रेस पार्टी में दूसरे नेता एग्रेशन के साथ जाना नहीं चाहते, तो किस मार्ग पर चलेगी? अब ऐसा है कि चुनाव शुरू, जो भी मार्ग है कांग्रेस के पक्ष में, हवा अच्छी है। हम सब कांग्रेस के नेताओं को बड़े दिल के साथ, बड़े मन के साथ जनता के मन को समझना पड़ेगा कि जनता क्या सोच रही है। जनता ये चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस की योजनाएं आगे भी चले, बैलेंस हो पॉलिटिक्स, क्योंकि आपके मानकर चलना बीजेपी षड्यंत्र करने में मास्टर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ, फरेब और धोखे के साथ जो षड्यंत्र करते हैं ना, उस षड्यंत्र का जवाब कांग्रेस को ठोक के देना पड़ेगा। हम कांग्रेस के नेताओं के साथ दिक्कत क्या, हम अपनी अपनी राग अपने अपने हिसाब से चलते रहते हैं, काम अच्छा करते हैं, अपनी योजनाओं को लेकर जाते हैं, लेकिन जहां बीजेपी का षड्यंत्र हो वहां बहुत एग्रेसिव होकर हमें लड़ना पड़ेगा। हम एग्रेसिव होकर लड़ेंगे। कांग्रेस बहुत बड़ी जमात है और उसमें हर तरह का कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता भी हैं, तो हम सब उतरेंगे मैदान में। ये हम सबका धर्म है कि हम एनी हाउ कांग्रेस पार्टी को जिताकर लाए और उस धर्म के रास्ते पर हम चलेंगे और ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा। इस वक्त तो आप जानते हैं तो उन लोगों की बुद्धि खराब हो गई जो सनातन धर्म को चुनौती दे रहे हैं। मैं उन सबको कह देना चाहता हूं, सनातन धर्म पूरी दुनिया में ब्रह्मांड के कल्याण की बात करता है, ब्रह्मांड के हर जीव जंतु के कल्याण की बात करता है। भगवान राम आए त्रेता में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
जिन्होंने पूरे कल्याण की बात की थी, भगवान कृष्ण आए, तो ऐसे में सनातन तो वो है जो सबके सम्मान की, सबके कल्याण की बात करता हूँ। ऐसे में इस देश में मैं ये मानता हूँ कि हम लोग खुद कछावंश के क्षत्रिय सबका सम्मान करते हैं, सबको, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी जैन बौद्ध, ये भारत की ताकत है। ऐसे में जो बड़े लीडर्स जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उन लोगों को साफ कह देना चाहता हूँ कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर दे। तो स्टालिन चीफ मिनिस्टर है, उनको आगे आकर मैं सबका सम्मान करता हूँ और क्लियर करनी चाहिए, कोई माफी मांगनी चाहिए। जो धर्म का अपमान करते हैं भगवान उनका कभी सम्मान नहीं करता, ऐसे लोगों को सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। पॉलिटिशियन बड़े लीडर उनकी तो और ज्यादा जिम्मेदारी है कि सब धर्मों का सम्मान करे, वही मेरा तिरंगा है और मेरे तिरंगे में सारे धर्म समाये हुए हैं, सब प्यार और प्रेम की बात करते हैं। क्योंकि इस तरह की भाषा किसी भी नेता को किसी भी धर्म के प्रति नहीं बोलनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना कि जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले, ये भाषा एक नेता की नहीं हो सकती। कहीं भी कांग्रेस का लीडर हो चाहे INDIA में शामिल हो, कांग्रेस ने साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारा इन लोगों से व्यक्तिगत बयानों से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस को इन बयानों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, कांग्रेस में तो हम जैसे राम के बेटे भी हैं। इसलिए ये बात कहना कि ये गलत बात है, कांग्रेस का इस तरह के गलत बयानों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, कांग्रेस सब धर्मों के सम्मान की बात करती है, कांग्रेस के मंच पर सारे धर्म पूरा भारत नजर आए, जहाँ तिरंगा नजर आए सबको समेटे हुए, वही तो कांग्रेस का धर्म है। कांग्रेस अधर्म की बात नहीं करती, कांग्रेस धर्म सच्चाई और ईमानदारी की बात करती है। यदि कोई व्यक्ति सनातन धर्म को चुनौती देता है तो आप ये मानकर चलिए वो ब्रह्मांड को चुनौती देता है, भगवान को चुनौती देता है। ऐसे लोगों को जमीन पर देखना चाहिए और लिमिट में रहना चाहिए, नहीं तो उनके दारुण दुख आने वाला है। ऐसे लोगों की सत्ताएं हमेशा के लिए चुनौती पे आ जाएगी। लोग इस तरह के बयान, इस भारत में धर्म को चुनौती देने वाले बयान पसंद ही नहीं किए जाते।